हेलो चाचा, का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें आज के इस वीडियो में, देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के वो महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो आपके इस बार एग्जाम में आने ही वाली है। और ये मान के चलिए पूरी आपकी जो केमिस्ट्री है सेकंड बुक, उसमें से जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आपकी हर साल पूछी जाती हैं, वो आज उसका पूरा निचोड़ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपकी केमिस्ट्री की चौथा पार्ट है, या फिर चौथी वीडियो बोल सकते हैं केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है आपकी। टॉपिक वाइज आपको सारी वीडियोस मिल रही हैं अभी तक जो आपकी वीडियोस आ चुकी है, उसमें हमने वेरी शॉर्ट फर्स्ट वीडियो देखी, फिर उसके बाद आपने सेकंड वीडियो में निश्चित रूप से प्रश्न जो कि डेफिनेट एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछाते हैं उसका, फिर आपने थर्ड जो वीडियो देखी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ये आपकी चौथी वीडियो जिसमें हम सारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वो अभी हम देखेंगे। बाकी जो बच्चे इन सारे क्वेश्चन को, या फिर जो पहले वीडियो में नाचो उन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आपने सिंपली हमारी वेबसाइट पर चले जाना है, कंपोसर सर्च करना है। कंपोसर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपने जो क्लिक करना है टॉप 30 क्वेश्चंस पर करना है। टॉप 30 क्वेश्चंस के बाद आपने क्लास सेलेक्ट करनी है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएगी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, आप जिस पर भी रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री किसी पर भी क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्लिक कर लेंगे हिंदी वाले पर, और इंग्लिश वाले इंग्लिश पर। तो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ देखने मिल जाएंगी मात्र 20 रुपये 15 रुपये, इतने में आप ये एक एक टॉपिक की वीडियो ले सकते हैं, सॉरी पीडीएफ ले सकते हैं। तो अगर आपको सारी पीडीएफ एक साथ लेनी है, सिंपली आपने इनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आप सारे देखेंगे पीडीएफ ऐड हो चुकी हैं। सभी पीडीएफ की जो कॉस्ट है 95 के अराउंड है। यहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट मिल जाता है, कंपोजर 30 अप्लाई करना है कूपन, ठीक है। उसके बाद आपको जो पीडीएफ 95 की शो हो रही थी, टोटल आपको लगभग अराउंड से 70 के ये शो होंगी। प्रोसीड टू चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद आपने अपनी यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल भरने के बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर के बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप जो ये पूरी प्रोसेस अच्छे समझ होंगे। जो बच्चे ये पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, समझ में नहीं आए उनको, तो सिंपली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके जो पीडीएफ आपको चाहिए वो आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। वापस लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं पर। इनके अलावा आपको एक भी अभिक्रिया नहीं देखने को मिलेंगी कि बाहर से कोई अभिक्रिया आई, सारी यही अभिक्रियाएं होंगी जो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ। तो सारे देख लेते हैं, फिर उनके मैं वन बाय वन करके आपको दिखाते भी रहूंगा सॉल्यूशन। जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेज कर रहे हैं वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार कर सकते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया या परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया या परीक्षण आप देख सकते हैं। प्रश्न आपका 2009, 11, 13, 14, 19 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, 11, 15, 19 में पूछा गया है। उसके बाद अगली जो अभिक्रिया है वो है अमोनी अपघटन, 11, 15 में आई है, एसिटिलेन या एसिटिलीकरण, ठीक है। चौथे नंबर पे आ गई, पांचवे पे है गैब्रियल गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट आपका डाई एजोकरण। उसके बाद है युग्मन अभिक्रिया, 11, 15 में पूछी गई है। उसके बाद अगले प्रश्न प्रश्न पर जाने से पहले इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले आपकी होगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, पूरी डिटेल इसकी प्रोसेस दे रखी है, कैसे आप इसको बना सकते हैं, इसमें क्या होता है, तो ये आपका इसके पूरी रिएक्शन दे देगी। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाली देख लेते हैं। सेकेंड नंबर पर जो थी वो थी आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो ये आप हाफमैन ब्रोमाइड देखेंगे सेकेंड नंबर पर, इसमें भी आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके दे रखे हैं। उसका नेक्स्ट जो है आपकी वो है अमोनिया अपघटन, तो यहाँ से आपने इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेनी है थ्योरी, उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर इसकी पूरी रिएक्शन देखनी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे थी आपकी एसिटिलिन या फिर एसिटिलीकरण, तो इसको आपने यहाँ से देख लेनी है। पांचवें नंबर पे थी आपकी गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, तो ये आपके यहाँ प्रश्न इसको आपने पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा हूँ, सिक्स नंबर पर जो थी आपकी डाई एजोकरण, तो इसको आपने देख लेनी है यहाँ से अभिक्रिया। और उसका नेक्स्ट है आपकी युग्मन अभिक्रिया, ठीक है, तो इसको युग्मन अभिक्रिया को पढ़ लेना है। उसका नेक्स्ट जो है आपकी, उस पर लेके चलता हूँ, ये आपकी पूरी यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया क्या है पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है, कैसे आप इसको बना सकते हैं, कम्प्लीटली आप यहाँ पे आप देख चुके हैं। उसके बाद अगली जो आती है यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए आएगा कि इससे इसको बनाओ, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है एथीन से ब्रोमो एथीन बनाना है, कैसे परिवर्तन कर सकते हैं वो आपको देख बताना है यहाँ पे, तो ये भी जो इम्पोर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला है आपका एथीन से ब्रोमोएथीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से फ्रेयोन 12, एथिल अल्कोहल से आइडोफाम, क्लोरोबेंजीन से टॉयलिन। इसके अलावा आप ये नीचे की देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम एक बार देखते चलेंगे। एथनॉल से एथिल फ्लोराइड, ब्रोमोमेथिन से प्रोपेनॉन, 1 क्लोरोब्यूटेन से एनोक्टेन, एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन,
क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, मेथिल आयोडाइड से एथेन, मेथिल आयोडाइड से एथिल एल्कोहल और क्लोरोबेंजीन से डाई फेनिल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो आपको दे रखा है वो आपने पहले आप चाहे ऊपर के क्वेश्चन नोट कर ले, फिर यहाँ से आप जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं आप लोग ऊपर पहले स्क्रीनशॉट ले ले सारे क्वेश्चन का, उसके बाद फिर आप फर्स्ट नंबर देखते जाएंगे उसके नीचे आप इनके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट मैं शो कर देता हूँ, आप आराम से इसको वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जितने हमने पूरे डिटेल में देखी ये आपके सारी जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं सारी मैंने आपको यहाँ पर शो कर दी हैं। अगर आप इन्हीं को अच्छे से पढ़ जाते हैं तो इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बच्चों उसको मैं आपको आप लोगों को बता देता हूँ, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आने वाली है उसमें हम देखेंगे रिएक्शंस के बाद आएगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो और उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी आपकी एमसीक्यू की। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े, जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए और सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।